लेखा देरा सोहरा जे दिल साचा होई उस चंगे दीवान में पल्ला ने पकड़े होई। इस दोहे का भावार्थ है कि यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुमने सत्य को आधार मानकर अपना आचरण किया है, तो अवश्य ही अंतिम समय में तुम जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होना है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब किया जाना होगा, तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। प्रभु के श्रेष्ठ और सच्चे दरबार में तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा भाव है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो सत्य पर आधारित हो, और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए जिससे अंतिम समय में हिसाब किताब में हम सहज हो पाए। सहजता के साथ, सरलता के साथ हम अपने कर्मों का हिसाब दे पाए और कोई हमारा हाथ न पकड़े। हाथ पकड़ने से आशय है कि हम ऐसे कार्य ना करें जिससे मुक्ति मार्ग पर हमें रोका जाए। हरि का सुमरण ही समस्त बाधाओं से दूर रहने का माध्यम है। लेना देना से आशय है कि हमें हमारे द्वारा मानव जीवन को प्राप्त किए गए कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। यह जीवन एक तरह की पूंजी है जिसके साहूकार हम नहीं हैं। तो कबीर जी ने अपने इस दोहे में यही बताया है, लेखा दोना सोहरा जे दिल साचा होई उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई।